चैनल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सलमान भाई की फिल्म टाइगर जिंदा है के बॉक्स ऑफिस प्रोडक्शंस के बारे में कि ये फिल्म कितने बनी है, कितने स्क्रीन्स पर रिलीज हो रही है, कितने तक की कलेक्शंस कर सकती है, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों बताने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि आप अगर ये मूवी देख लिए हो तो आपको ये मूवी कैसी लगी हो, सलमान भाई और कैटरीना कैफ की एक्टिंग हो या फिर ये फिल्म कैसी लगी, आप मुझे एक वीडियो में शूट करके आप हमें भेज सकते हैं, हम आपकी वीडियो को चैनल पे टेलीकास्ट करेंगे। आपको यहाँ ऊपर में मिल जाएगा व्हाट्सएप नंबर, आप इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिए और हम आपके उस वीडियो को अपने चैनल पे टेलीकास्ट करेंगे। दोस्तों इस फिल्म के डायरेक्टर हैं अली अब्बास जफर। इस फिल्म में है सलमान भाई, कैटरीना कैफ, गिरीश, परेश रावत, सुदीप और भी बहुत सारे एक्टर हैं जो इस फिल्म में काम किए हैं। ये फिल्म हिंदी में रिलीज हो रही है और ये फिल्म 22 दिसंबर को बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने वाली है। वहीं ये फिल्म आज गल्फ कंट्री में रिलीज हो चुकी है और इस फिल्म को गल्फ कंट्रीज के क्रिटिक्स ने 4.5 रेटिंग्स दिया। वहीं ये फिल्म 2 घंटा 41 मिनट 31 सेकंड की फिल्म है। अब इस फिल्म की बजट की बात कर ली जाए तो इस फिल्म का बजट 150 करोड़ है। 130 करोड़ में बनी फिल्म है, 20 करोड़ इस फिल्म के प्रोडक्शन में खर्च हुआ है। ये फिल्म इंडिया में 4600 स्क्रीन्स पर रिलीज हो रही है, वहीं ओवरसीज में 1100 स्क्रीन्स पर रिलीज हो रही है, मतलब कि वर्ल्ड वाइड 5700 स्क्रीन्स पर रिलीज होने वाली है। अब बात कर ली जाए कलेक्शंस की तो ट्रेड एक्सपर्ट का कहना है कि इस फिल्म का पहले दिन का कलेक्शंस करीबन 40 से 50 करोड़ के बीच में होने वाली है। वहीं पहले वीकेंड की कलेक्शन 125 से 130 करोड़ होने वाला है। वहीं पहले वीक में 200 से 230 करोड़ तक की कलेक्शंस होने वाली है। दोस्तों ये तो था ट्रेड एक्सपर्ट का कहना। दोस्तों आपको क्या लगता है ये फिल्म की पहले दिन की कलेक्शंस कितनी हो सकती है या लाइफ टाइम की कलेक्शंस कितनी हो सकती है, आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और ऐसी न्यूज़ पाते रहने के लिए आप हमारे